वैश्विक रुझानों से संकेत लेते हुए भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 606.77 अंकों या फिर 0.76% की गिरावट के साथ 69,542.10 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई का निफ्टी 50,182.50 अंकों या फिर 0.75% की गिरावट के साथ 24,232.00 पर खुला। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी मिड कैप भी 433 अंकों या फिर 0.76% की गिरावट के साथ 56,439.80 पर खुला। आगे बात करते हैं एनएसआई पर, निफ्टी बैंक भी 50,762.30 पर लाल निशान के साथ खुला। एनएसआई के क्षेत्रीय शेयरों में बैंक, वित्तीय सेवा, एफएमसीजी, आईटी, धातु, फार्मा, पीएसयू बैंक, निजी बैंक, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तेल और गैस शुरुआती कारोबारी घाटे के दौरान लाल निशान के साथ खुला। मीडिया और स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहां मीडिया और स्टॉक मार्केट की क्षेत्रीय शेयर हरे निशान के साथ खुला। बाजार विश्लेषकों के अनुसार अल्फाबेट और टेस्ला की आय के खुलासे के बाद पैदा हुई निराशा के बाद वैश्विक धारणा में गिरावट ने वैश्विक स्तर पर बाजार को काफी प्रभावित किया है। वैश्विक धारणा प्रभावित हो रही है। अमेरिका में ट्रंप ट्रेड के हिस्से के रूप में बड़ी टेक कंपनियों से खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में बदलाव शुरू हो गया था, फिर अल्फाबेट या फिर गूगल और टेस्ला के लिए नतीजे नरम आए। इससे बड़ी टेक कंपनियों और एआई निवेशकों के मूल्यांकन पर और सवाल उठे हैं, जो बड़े पैमाने पर हुआ है। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारतीय बाजार वायदा कमजोर शुरुआत का संकेत दे रहा है, निवेशकों की मुनाफे पर करों में वृद्धि की धारणा को ठोस पहुंचाता है और विदेशी संस्था पिछले दो दिनों से बिकवाली कर रही है। हालांकि घरेलू संस्थान जिसके पास बड़ी नकदी है इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे पिछले दो दिनों में बाजारों में सुधार हुआ है। आगे प्रॉफिट आइडिया के एमडी वरुण अग्रवाल ने कहा है कि बाजार धारणा सतर्क बनी हुई है, क्योंकि तकनीकी संकेत प्रमुख समर्थन स्तरों के टूटने पर आगे और गिरावट की संभावना का संकेत दे रहे हैं। निवेशक मौजूदा स्थिरता के बीच बाजार की दिशा के लिए वैश्विक संकेतों और आर्थिक आंकड़ों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बेंचमार्क सूचकांकों और व्यापक बाजारों के बीच विपरीत प्रदर्शन बजटीय और आय परिदृश्यों के बीच निवेशकों की अलग अलग भावना को उजागर करता है। पिछले 5 कारोबारी दिनों में बीएसई सेंसेक्स में 0.79 या फिर 634.86 अंकों की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के निफ्टी में 0.51% या फिर 125.60 अंकों की गिरावट देखी गई है। वैश्विक बाजार में जापान के निकेई 225 और दक्षिण कोरिया के कोस्पी सहित एशियाई सूचकांकों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो वॉल स्ट्रीट पर नुकसान को दर्शाता है। जहां S&P 500 और नैसडैक कई सप्ताह के निचले स्तर पर तेजी से गिर गए हैं, वहीं टेस्ला और अल्फाबेट ने उल्लेखनीय गिरावट की है, जिसमें अक्टूबर 2022 के बाद से नैसडैक की सबसे बड़ी एकल दिवसीय प्रतिशत गिरावट में योगदान दिया है। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।